नमस्कार दोस्तों, श्री साई होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन मेफाइटिस की है। मेफाइटिस फ्रेंड्स जो बहुत तगड़ी वाली खांसी आती, पेट से आती, पूरा शरीर हिल जाता है, स्पैस्मोटिक कफ, इसकी बहुत अच्छी दवा है। इसी दवा के बारे में बताएंगे, कब ये दवा लेनी है, इसका उपयोग कहाँ है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और अपने जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, उस सबको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी सबको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं मेफाइटिस। तो फ्रेंड्स, जो मेफाइटिस मेडिसिन है इसका यूज़ बहुत कम होता है और बहुत ही कम लोग इस मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, जबकि होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसिन है वूफिंग कफ के लिए, स्पैस्मोटिक कफ के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका यूज़ करते हैं और काम इसका बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ये देना कहाँ है आपको, ये हम आपको बता दें। पहली बात तो ये समझ लें, ये रेयर मेडिसिन है, बहुत कम इसका यूज होता है। ये इसका जो बेस्ट एक्शन है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें मरीज को खांसी आती बहुत तगड़ी, पेट से पूरी शरीर हिल जाती है, स्पैस्मोटिक कफ खासतर बहुत तगड़ा खांसी आती है, कहते ऐसा लगता है इसे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी खांसी जिसमें मरीज को ये लगे कि मेरा प्राण निकल जाएगा, वहाँ पर यह वर्क करता है। मतलब तो खांसी इतनी तगड़ी होगी, शरीर इतना झटका देगा, शरीर नीला पड़ जाएगा, इतनी तगड़ी खांसी, वहाँ पर इसकी यूज़ बहुत अच्छा है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, ये इसकी जो खांसी है दिन में कम होती है, रात में बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक रेड लाइन है, स्पैस्मोडिंग वूफिंग कफ फ्यू इन डे मोर इन नाइट, यानी दिन में कुछ आएंगे उसके एपिसोड्स कुछ आएंगे, लेकिन रात में ज़्यादा आएगा, आदमी को जगा देगा। उसके साथ साथ सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, स्वाभाविक सी बात है, जिसको खांसी ज़्यादा आएगी तो सांस कैसे लेगा, अगर तगड़ी खांसी आ रही है, सही हिल रहा है और कई बार लगातार खांसी आ रही है तो सांस कैसे ले पाएगा, शरीर नीला पड़ जाता है। ये रही बात खांसी की। दूसरी बात, जब आदमी सोता है फ्रेंड्स, उसके पैर बड़ा भारी से लगते हैं, गर्म से लगते हैं, यानी कि उसकी जो सर्कुलेशन है वो पैर की तरफ जाती है और नाना प्रकार के सपने देखता है, वहाँ ये अच्छा वर्क करती है। इसका मरीज जो है उसको आइस कोल्ड वाटर में नहाने बड़ा मन करता है, बहुत कि बर्फ़ वाले पानी से हम नहा लें, ऐसा मन करेगा कि हम बर्फ़ वाले पानी से नहा लें तो हमको बहुत अच्छा मिलेगा, चैन पड़ेगा, लेकिन यही बर्फ़ वाला पानी इसको जो है जो वूफिंग कफ पैदा कर देगा, खांसी पैदा कर देगा और दिक्कत में, तो बड़ा अच्छा लगेगा उसको कि ठंडे पानी से नहा ले, बर्फ़ वाले पानी से, लेकिन खांसी हो जाएगी, अस्थमैटिक कफ हो जाएगा। बड़ा पिक्यूलियर है कि एक तरफ ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा, दूसरी तरफ अस्थमैटिक कफ हो जाएगा, अस्थमा का कफ हो जाएगा, स्पैस्मोटिक कफ, चेहरा नीला पड़ जाता। इसका जो वर्स्ट कंडीशन यही है, जब ये सोएगा रात में तो खांसी इसकी बढ़ जाएगी। बड़ा ही पिक्यूलियर सिम्टम है फ्रेंड्स, इसका जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस सपोज कि आपको मैं बता दूं, जो खाने की नली होती है वहाँ पर जो ढक्कन लगा होता है ग्लोटिस, वो कंट्रैक्ट हो जाता है अचानक, जैसे कुछ खाएगा, कुछ निगलेगा या बात करने की जैसे शुरू करेगा, वो अचानक से कभी कभी होगा कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, क्योंकि खारी नली कब बंद, जब हम कुछ सांस लेते हैं तो खारी नली बंद हो जाती है, यानी कि हवा कहाँ जाए, लंग्स में जाए, और जब हम खा रहे होते हैं तो लंग्स वाली नली बंद हो जाती है, ठीक है, तो वो खाना अंदर जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे कुछ खाना शुरू करेगा, इवन कि वो जब बातचीत अचानक से शुरू करे तो कभी कभी होता है जैसे उसकी नली बंद हो गई, ग्लोटिस कंट्रैक्ट कर जाता है, उस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन मेफाइटिस। उस कंडीशन क्या होता है, खाना फंस जाता है, पता लगा खाने सांस वाली नली में चली गई, तो कई होगा मरीज को इस तरह से कई बार अगर हो कंट्रैक्शन ऑफ ग्लोटिस, वहाँ पे मेफाइटिस अच्छा वर्क करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मेफाइटिस लोअर पोटेंसी में 6x3x में बहुत अच्छा वर्क करती है, तो मेफाइटिस जब भी दें आप तो 3x में दें,
तो ऐसी अगर किसी बीमारी हो फ्रेंडशिप, आप दो चीज़ें याद रखिएगा, किसी को रात में खांसी बहुत तगड़ी शरीर हिला देने वाली, ऐसे लगे कि प्राण निकल जाएगा, स्पैस्मोटिक कफ, उसके साथ में सांस लेने में दिक्कत हो, छोड़ने में अस्थमेटिक कफ लगे, चेहरा नीला पड़ जाए, पूरी शरीर हिल जाए, उस कंडीशन में मेफाटिस दीजिए 3x, दो गोली सुबह दोपहर शाम, ज़्यादा कंडीशन है तो दिन में 4 बार 4 orally दिए आप, ठीक है। और दूसरा, जब आपको ये ग्लोटिस सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लोटिस का सिम्टम मिले वहाँ पे आप दें। तो फ्रेंड्स, मेफाइटिस में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।